अथर्व, अथर्व नवाब, आप क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम बनाने के लिए आइसक्रीम आ बनाने की तैयारी? अच्छी सी बनाई हो, ठीक है। हाँ बेटा आओ आओ, तो खड़े हो, देखो क्या कर रहा हूँ। अथरु बेबू, आप क्या कर रहे हो भाई? ज्यादा शरारती होगा थर तो, ज्यादा ही। और मैं तो प्रसाद खा रही भाई, कल का रखा था, मेरा ऐसा कैसे याद नहीं रहा, अब याद आया, अब खा रही। उन्होंने ना पता क्या करा, इंडक्शन और कढ़ाई यहीं पर ले आए वो दूध बॉईल करने के लिए, क्योंकि रसोई में बार बार जाने में आलस आ रहा है। कह रही कि मैं तो यहीं बैठ के देखता रहूँगा, बिग बॉस भी देख लूँगा और आइसक्रीम भी बना दूंगा। क्यों अर्णव? मैं कह रही कि अर्णव को आलस आ रहा था बार बार जाने में, तो अर्णव यहीं पर उठा कर ले आए अपना सारा सामान। अथर्व अर्णव को बुला रहा, देखो अर्णव बाहर गए हुए हैं ना, तो अर्णव को बुला रहा, देखो कैसे बुला रहा। बुला लो पापा जी को, बुला लो पापा जी, आ जाओ आ जाओ पापा जी, आ जाओ आगे पापा जी। अरे मेरे बेटा अर्णव आ गए, और तो देखो कितना खुश हुआ अथर्व, बेटा के पापा जी आ गए। हमारे बाबू की तो मस्ती शुरू हो गई, खुद से जाकर लेट गया, गोद में से उतर के मेरी ओर लेट गया। अथर्व 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 बेटा, अथर्व बाबू, कैसे नहीं बोल रहे हो आप? क्या हुआ बाबू को? अथरु को देखो क्या करने लगा, अथरु टूटी फूटी के बोलो पीन ले रहा और खोलने की कोशिश कर रहा, थोड़ी थोड़ी आइसक्रीम में डाली ना तो वो ले रहा है। राम राम जी, कैसे हो? आशा करती हूँ कि सब सही होंगे। तो गाइस सुबह का सभी काम खत्म हो गया है और अथर्व भी नहाकर सो गया है और मैं भी नहा ली, टोटल काम हो गया। अब मैं अथर्व की अलमारी लगा रही हूँ, देखो अलमारी पूरी खाली कर दी मैंने अथर्व की, और साफ भी कर दी। अब अथर्व के कपड़े तय बनाकर लगा दूंगी, क्योंकि अथर्व सोया हुआ है, आपको पीछे देख भी रहा होगा। देखो आज अथर्व ने कुछ और नहीं रखा, चुन्नी वगैरह, क्योंकि गर्मी लग रही थी ना, एसी मैंने चला नहीं किया, अभी एसी नहीं चला रही, और बस ऐसे लेटा रखा। देखो कैसे लेट रहा, चुन्नी साइड में रखी। और अब मैं अथर्व के कपड़े लगा दूंगी और ये बैग भी खाली करना है मुझे अभी। आज तो पूरे कमरे में आपको कपड़े कपड़े मिल रहे हैं, क्योंकि दो दिन से ना तो परेसी लग रही है और ना कपड़ों की तय बननी, होटल जाना पड़ रहा है ना, इसीलिए कल भी मैंने परेसी नहीं लगाई थी और परसों भी नहीं लगाई थी। देखती हूँ आज लगाती हूँ, क्योंकि अर्णव के बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं परेस के, उन्हें तो हर रोज़ परेस के कपड़े चाहते हैं, तो इसीलिए मैं थोड़ी देर में अथर्व की अलमारी लगाने के बाद परेस लगाऊंगी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद, तब तक के लिए बाय बाय। और ये कैंटीन है, सब तरह के पेड़ है यहाँ पे, जामुन का पेड़ है, बैक साइड में है ये गार्डन, यहाँ पे बैठे हुए हैं, चेंज कर दिया अपनी जगह, अब यहाँ पे आ गया। नाचो नाचो, बड़ा हो जा। जीजा जी बाहर आ गए हैं और जीजा जी को मिलने के लिए चल रहे हैं, तो चलते हैं सब। मिट्टू को यहाँ पे पूजा करने लग रहा, देखो हॉस्पिटल में राधे राधे करने लग रहा, देखो। मामा ऐसा नहीं करते, मामा क्या कर रहे हो छोटे बेबू के साथ, ऐसा नहीं करते मामा। पेड़ पौधों में यहाँ का माली पानी देने लग रहा है, पर दिख नहीं रहा सूरज में कुछ भी, कितनी बड़ी बड़ी घास हो रही है यहाँ पर। जो बात है यहाँ पर ठंडी हवा लग रही, बढ़िया।
बास्केट देखो कितनी अच्छी अच्छी है। यहाँ से क्लियर दीजिए पापा जी, यहाँ पर हर तरह के पेड़ पौधे हैं, फलों के भी और फूलों के भी, और छोटे छोटे से अनार हैं, और ये पक्षियों के लिए पानी और दाना रखा है। यहाँ की कैंटीन है, हाँ थ्रू अच्छा लग रहा बाबू को गार्डन देख के, कैसा लग रहा है बाबू को गार्डन देखकर? वो रे मेरा बच्चा, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। जीजा जी को ऑपरेशन 6 बजे हो गया था और अब जीजा जी तो मिलने के लिए जा रहे हैं, 7 बजने वाले हैं। उन्होंने 1 घंटे का टाइम दिया था कि अभी तुरंत के तुरंत नहीं मिलना, 1 घंटे बाद मिल लिया, तो अभी जा रहे हैं जीजा जी से मिलने के लिए। दीदी मिट्टू और जीजा जी तो आ गए हैं, और अथर मैं आपसे और लड्डू पीछे हैं, अब से लड्डू तो बहुत पीछे है अभी मेरे से। अथर्व की मस्ती चल रही है, अथर्व के तो कपड़े भी चेंज कर दिए, देखो अथर्व ने ना चिप्स खा के अपने कपड़े गंदे कर लिए थे, और थोड़ी सी फ्रूटी पी इसने, फ्रूटी तो बिल्कुल थोड़ी सी पी, पानी पिया और चिप्स खाए, बिल्कुल गिल्ला हो गया पूरे में, पानी पानी कर दिया पूरे में, पानी पानी हो रहा, गिल्ला हो गया, अब तो बैठने की जगह भी नहीं रही। गार्डन जीजा जी के पास जाके पूरा खुश हो रहा, देखो जीजा जी ने ले लिया थरू को। गाइज अर्णव ड्यूटी से जीजा जी का पता लेने के लिए आ गए थे, गाइज अब घर जाने लग रहे, बस अर्णव का वेट कर रही थी कि ड्यूटी से आ जाएंगे, एक बार जीजा जी से मिल लेंगे और बस अब जाने लग गए। दीदी अतरा दर्द हो गए आँख से, लड्डू मुझे पता नहीं कहाँ है। तो गाइज हॉस्पिटल में से घर आ गए थे और आके चाय बनाई, चाय पी, और रात ना अर्णव ने वो बनाई थी आइसक्रीम बहुत अच्छी, तो इनकी बनाई हुई तो जमी नहीं थी, फिर पता सुबह मैंने उसमें क्रीम अमूल क्रीम मिलाई और उसके बाद जमाई, अब देखो क्या मस्त आइसक्रीम जमी बहुत, और खा के पता चलेगा कैसी है कैसी नहीं। इस बंदे की आइसक्रीम बंद होगी, डॉक्टर ने बंद कर दिया, सबसे पहले काट के खा लग रहा। बस जगह पता डॉक्टर ने, देखो कितनी अच्छी जम गई ना, देखो मस्त जम रही भाई, अब और खाने से पता चलेगा। वैसे तो खा ले, देखो मैं तूने कितनी सी निकल ली बेचारे ने, यही है तेरी बस, और नहीं मिले बढ़िया मेरे भाई पहले यार जो बना रखा मेरा फेमस है वो हनुमान टिल्ले के वहां उसको भी तक अपने मम्मा को तो खिला दे। मामा भांजे का प्यार मामा से ही है, मामा का नहीं है।